गुरुवार को खेले गए रोमांचक मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस को एक विकेट से मात देकर आईपीएल 11 में लगातार दूसरी जीत दर्ज की है। वहीं मुंबई इंडियंस को इस टूर्नामेंट में लगातार दूसरी बार हार का सामना करना पड़ा। इस मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने 20 ओवरों में 8 विकेट गंवाकर 147 रन बनाए और सनराइजर्स हैदराबाद को जीत के लिए 148 रनों का टारगेट दिया था। जवाब में हैदराबाद की टीम ने ये 19.5 ओवरों में ये लक्ष्य हासिल कर लिया और लगातार दूसरी जीत दर्ज की है। एक समय लग रहा था हैदराबाद को 12 गेंदों में 12 रनों की दरकार थी। 19वां ओवर फेंकने आए मुस्ताफिजुर रहमान ने इस ओवर में सिर्फ एक रन दिया और दो विकेट लेकर हैदराबाद का स्कोर 137 पर 9 कर दिया, साथ ही अपनी टीम मुंबई को मैच में वापस ला दिया। आखिरी ओवर में मुंबई को एक विकेट और हैदराबाद को 11 रन की दरकार थी। हुड्डा और बिली स्टानलेक ने जरूरी रन बनाते हुए मेजबान टीम को दूसरी जीत की दहलीज पर लाखड़ा कर दिया। आसान से लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद को अच्छी शुरुआत मिली। रिद्धिमान साहा 22 और धवन ने पहले विकेट के लिए 6.5 ओवरों में 62 रन जोड़े, लेकिन युवा लेग स्पिनर मयंक मार्कंडे ने 4 विकेट लेकर मेजबान टीम की कमर तोड़ दी। साहा मयंक की फिरकी में फंस गए और उसका शिकार होकर पवेलियन लौट गए। कप्तान विलियमसन ने सिर्फ 6 रनों का योगदान दिया। विलियमसन 73 के कुल स्कोर पर आउट हुए। धवन को मयंक ने अर्धशतक भी पूरा नहीं करने दिया। 28 गेंदों में 3 चौके मारने वाले धवन का कैच जसप्रीत बुमराह ने 77 के कुल स्कोर पर पकड़ा। मयंक ने मनीष पांडे को भी 11 के निजी स्कोर पर अपना शिकार बनाया, लेकिन एक समय मजबूत स्थिति में दिख रही मेजबान टीम लगातार विकेटों के गिरने से संकट में आ गई। लेकिन दीपक ने यूसुफ पठान 14 के साथ मिलकर टीम को जीत के करीब ले गए, लेकिन बुमराह ने लगातार 2 विकेट लेकर मेजबान टीम को परेशानी में डाल दिया। उन्होंने 18वें ओवर की 4थी गेंद पर पठान को और अगली गेंद पर राशिद खान को आउट किया। अगले ओवर में रहमान ने अब मेजबान टीम के माथे पर लकीरों का गहरा कर दिया था, लेकिन एक छोर पर खड़े दीपक ने टीम को आखिरकार जीत दिला ही दी। उन्होंने अपनी पारी में 23 गेंदों का सामना किया और 1 चौका 1 छक्का लगाया। ये छक्का आखिरी ओवर में पहली गेंद पर मारा था। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स टेक से अंकुर अस्थाना की रिपोर्ट।